याद करो, ये तो एस फोकाई सेफ आस क्या था, ए कॉमा 0, वन मोर था एस डैश माइनस ए कॉमा 0। यस, ये क्या था बेटा, याद याद करो क्या था ये, वर्टेक्स ए कॉमा 0, और ये क्या था बेटा, माइनस ए कॉमा 0, इट वाज 0 पी कॉमा कॉम जीरो कॉमा बी, पी 0 कॉमा माइनस बी माइनस पी वर्टेक्स। ये थी एक्स इक्वल टू डायरेक्टली ए बाय ई, एक्स इक्वल टू डायरेक्टली माइनस माइनस ए ए बाय भाई। ई। यस, फिर हमारे पास एक क्या थी बेटा, एल एल डैश लेटेस्ट एकदम, ये क्या था बेटा, एक्स पर ए कॉमा बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय ए माइनस ए बी स्क्वायर बाय ए, सर ए कॉमा ठीक है बेटा। माइनस बी स्क्वायर बराबर। नहीं बराबर है, अब बराबर, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, यस लेटेस्ट रेक्टम, ये था लेटेस्ट रेक्टम। सबको याद आ गया, अरे ये मेजर एक्सेस था 2A, ये माइनर एक्सेस था 2B, ये फोकाई था S और ये दूसरा फोकाई था S डैश प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये डायरेक्ट्रिक्स थी एक्सक्वल टू ए बाई, ये डायरेक्ट्रिक्स थी एक्सक्वल टू माइनस ए बाई, यस ये वर्टाइस थे ए 0 माइनस ए 0, ये 0 भी और ये माइनस 0, लेटर सेक्टम के फोर कोऑर्डिनेट थे ए प्लस ए प्लस ए दोनों जगह, ये बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर बाय, ये माइनस ए प्लस बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर बाय। ओके ठीक है ना, ये सेंटर था गोलू, यस यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्यार करूं तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, इसेंट्रिसिटी थी, इसेंट्रिसिटी क्या थी बेटा, रूट ओवर 1 माइनस छोटू अपॉन बड़ू का स्क्वायर, अरे बोलो ना। हाँ हाँ फोकाई क्या थी, फोकाई जल्दी बताओ, प्लस माइनस ए कॉमा 0, नहीं, बिल्कुल है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी एक्सल टू प्लस माइनस ए ए बाय ई, फिर क्या था बेटा जल्दी बताओ, नेक्स्ट वर्टेक्स वर्टेक्स क्या थे, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी, एक था मेजर एक्सेस हुए एंड एक था माइनर एक्सेस टू बी, एक हो गया माइनर एक्सेस मेजर एक्सेस, लेटेस्ट रेक्टम क्या था बेटा जल्दी से याद करो, प्लस माइनस ए गामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, अरे आप लोगों को बोलना है मुझे नहीं बोलना है, लेंथ क्या थी लेटर सिस्टम की, टू टू स्क्वायर बाय बाय ए, और क्या था सेंटर फिक्स 0,0 है ना, और कुछ बचा क्या, और कुछ प्लस माइनस ए कॉमा 0 सेंटर एक्स वाई लेटर सेक्टम है ना, ये आ गए सारे, अरे यहाँ तक कोई इशू बेटा, नो सर। आप जिसको इलिप्स आता है उसको अपने आप हाइपर बोला आ जाता है कैसे, अब आपको केवल एक चीज करना है, जहां जहां बी स्क्वायर है उसको माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, देखो बेटा ये ट्रिक है कोई फंडा नहीं है,
ये तो आप बोलोगे सर बी इज इक्वल टू तो माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये तो माइनस बी है तो क्या हो जाएगा सर, और फिर बी को किससे रिप्लेस करें? नो, बी बी जो होगा ना वो विल बी एज इट इज, है ना, ए कॉमा बी विल बी एज इट इज, ओनली बी स्क्वायर रिप्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर नो चेंज, ए स्क्वायर नो चेंज, प्लस नो चेंज, वाई स्क्वायर नो चेंज, बी स्क्वायर, तो ये जगह माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये माइनस को मैं इधर ले गया तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। बोलो ना, हाँ लॉजिक समझना यस सर। आपको, आपको कहते ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कहते हाइपरबोला इफ अगर आपको इलिप्स आता है तो, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान समझो। कैसे देखो, इसेंट्रिसिटी क्या जाएगी, ई इज इक्वल टू रूट ओवर वन मतलब वन, माइनस माइनस मतलब छोटू स्क्वायर मतलब छोटू स्क्वायर, अब बड़ू स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा एक तरीके से, तो यहाँ प्लस हो गया, वही क्यों, ये बस स्क्वायर हो जाएगा। फोकाई क्या थी, फोकाई प्लस माइनस ए ई भी है ही नहीं तो नो चेंज, डायरेक्ट्रिक्स थी बेटा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई नो चेंज, वर्टेक्स चल रहा था प्लस माइनस ए कॉमा जीरो बी स्क्वायर है ही नहीं, एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस बी प्लस है ही नहीं, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, वही सेम टू है, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा सेम टू भी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेटर सेक्टर तो प्लस माइनस ए ही नो चेंज माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बाय, लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, -2b2। भाई साहब लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या, अगर माइनस होगी भी तो वापस प्लस हो जाएगी, लेंथ है। अरे हाँ सर। हाँ मजे लेते हैं सर, तुम सोचते ही नहीं हो, सेंटर ओरिजिन बता, आ गया ना, एक ट्रिक से मतलब इलिप्स आता है तो सिंपल है, कुछ नहीं बस बेटा, देखो सर इलिप्स इलिप्स डायग्राम इलिप्स, बताओ तो हाइपरबोला का। अरे रुके सब बताएंगे तो चिंता क्यों कर रहा है, डायग्राम के बिना भी देखो आ जाएगा, ये समझा रहा है सर, जो आपका एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है ना, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, ये सब एज इट इज है, बस यहाँ पर ये प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यस बाकी यस नो, ठीक है, अभी कोई डायग्राम नहीं, पहले इसको यहां से स्टार्ट राइटिंग, एक बार कॉपी करो, पूरा करना है, इलिप्स भी करना है और हाइपरबोला भी करना है, तो इलिप्स रिवाइज हो जाएगा और हाइपरबोला अपने आप आ जाएगा, मैं कुछ ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि बिना डायग्राम के भी आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, इसलिए अभी डायग्राम के बारे में सोचो ही मत कुछ, जस्ट स्टार्ट कॉपी, एज इट इज कॉपी करना, जैसे मैंने दो कॉलम्स बना के किया ना सेम, ए कमा बी विल बी एज इट इज, मन फास्ट,
तुम्हारे पास इवनिंग का क्लास एज इट इज लगेगा 7 to 8:30, मैथ्स का 4 to 5:30, 3 to 4 वाला सब नो चेंजेस में। हाँ बेटा जान, उस जान एक बार पूरा का पूरा क्रैम मगअप कर लो इसको, एकदम मगअप ही कर डालो। Come on, guys, fast. As done. उस जान एक बार इसको क्रैम मगअप करो, अच्छा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। कैसे जान, चलो अब इसको समझना एक्चुअली होता क्या है। ये आपका इलिप्स होता है ना बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको यहां से ऐसा ब्रेक कर देता हूँ, है ना, मैं इसको यहां से ब्रेक कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा, जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ ना, तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन है जो, चलो ये वाला जो पोर्शन है इधर और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर, ओके मतलब अगर इसको आई एम सेइंग वन, तो ये वन अब इधर रह गया और ये टू, तो टू को
दोनों को जो ऐसे कर दिया, तो ये आपका हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका इलिप और ये हो जाता है आपका हाइपर बोला। मैं समझा रहा हूँ, कोई चिंता मत करना, बहुत आराम से अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये तो हमारा वेज सीरीज हो गया, एक्सेस हो गए हमारे दोनों, है बेटा। अब ये हो गया, कहाँ गए दोनों, ये हमारे एक्सेस हो, है ना, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो, देखो बेटा ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्सिस हो गया, है ना, ये हमारा हो गया सेंटर जैसा था पहले का पहले, वही सेंटर 0.0, है ना, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, अंदर आ गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब यदि एक्स इक्वल टू ए बाई, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू ए बाई बी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, है ना, वहां पर भी वर्टेक्स था ए कॉमा जीरो, तो यहाँ पर भी वर्टेक्स है ए कॉमा, जीरो कॉमा बी है, जीरो कॉमा माइनस बी। बस अब कहानी कहाँ आ गई बेटा, कहानी ये आ गई कि ये जो हाइपरबोला है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, ये आपका हो गया एस फोकाई ए कॉमा जीरो, एस डैश फोकाई माइनस ए, ओके, दिस इज योर मेजर एक्सेस टू ए, दिस इज योर माइनर एक्सेस टू बी, ठीक है, है ना, वही सेंटर है ओरिजिन, है ना, ये वर्टेक्स हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, ये हो गया हमारा फोकाई ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ये डायरेक्ट एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए, यस, कोई दिक्कत इसके अंदर, अरे समझ में अच्छे से, है ना सर, अगर हम इन दोनों को दूसरी डायरेक्शन में रख दे, ऑपोजिट, मतलब अभी दोनों ऑपोजिट में, तो दोनों एक साथ में आ गए तो एलिप्स बना देंगे ना, तो फिर उससे डायरेक्ट चेंज हो जाएगी ना, इसलिए तो वैसा करेंगे नहीं अपन, वो इलिप्स है, जब उसको सेम डायरेक्शन में गए तो इलिप्स, ऐसा रखेंगे तो हाइपरबोला, ओके सर, ये हो गया ए कॉमा प्लस बी स्क्वायर बाय, ऐसे यहाँ पर भी एक हो जाएगा आपका, माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर बाय आएगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, यस गाइस, चलो एक बार इसको फोटो को कॉपी कर लो तो जल्दी से फास्ट, कमांड पास, वन पास।
मान Come on, guys, do fast. Come on, guys, fast. उस जान एक बार इसको क्रैम मत करो, एकदम आंख में इसका फोटो कॉपी कर लो, जीरोक्स कॉपी डाल लो, हाँ कहते हैं do fast guys. Guys done. बाकी सबका भी हो गया. देखो डा क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी आने वाले हैं. फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन आया सब कुछ ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. तो ये इलिप्स हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था माइनस तो हाइपर सिंपल सा. यू हैव टू रिमेम्बर दिस साइन है ना. चलो अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 माइनस छोटू अपॉन बड़ू. बस ये होती है इलिप्स की. यहाँ प्लस आ गया तो वो हो जाएगी. तो ये हो गया 1 माइनस छोटू यहाँ पर क्या हो गया 3 तो 9 अपॉन 16. यस तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7 रूट 7. ये आपकी सेंट्रिसिटी ऑलवेज मोर देन 1. ये मोर देन 1 हो जाती है ना बेटा वृषभ इस कारण से ही वो बाहर निकल जाता है. इलिप्स में लेस देन होती है तो वो जॉइन हो जाते हैं. ओके सर बस ये आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए और कुछ भी नहीं. वो मोर देन 1 लेस देन 1 का ही सारा गेम है ना. फार्मूला में कोई हाइपरबोला में हां बेटा क्या नहीं आएगा सर 1 प्लस नहीं आएगा इसेंट्रिसिटी में हाइपरबोला में 1 प्लस नहीं आएगा मतलब क्या बेटा सर 1 प्लस छोटू अपन बड़ू में प्लस नहीं आएगा आपने माइनस लिखा है. यस 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 फाइव बाय फोर इज ग्रेटर देन है ना. बोला कुछ और लिखा कुछ और है ना. है ना. अभी अब सबसे पहले अपन निकालते हैं फोकाई. फोकाई क्या होती है बेटा जल्दी बताओ. प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. तो क्या देगा प्लस माइनस ए. ए क्या है आपके पास 4. बी क्या है आपके पास 3. ई क्या है आपके पास 5. सॉरी 5/4. ए क्या कह रहा है 5,0. सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंग्लिश में भी होते थे. डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी बेटा याद करो. x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई. राधे राधे बाबू दैट्स गुड. अब ए बाई मतलब क्या जाएगा बेटा 16/5.
ओके डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या था, फोकस डायरेक्ट्रिक्स रख, फोकस डायरेक्ट्रिक्स रख से क्या था वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या था प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस नथिंग विल चेंज, प्लस माइनस ए मतलब क्या हो गया 5.0 और जीरो प्लस माइनस 3. यस गाइस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी बेटा, क्या पापा इज डूइंग वर्क, माइनर एक्सिस क्या था बेटा 3 6 करी ना सब कुछ वही है 2a 2b फिर लेटेस्ट रेक्टम यस प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस सर मेजर एक्सिस 8 आएगा, मेजर एक्सिस क्या है बेटा, अच्छा हाँ 4 8 ये यार प्लस माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना बेटा 9 अपन ए कितना बेटा 2 है ना, ए 2 है ना आपका 4 है सर, 4 9 बाय लेंथ, लेंथ क्या जाएगी बेटा आपकी लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या जाएगी 2b² by 2 मतलब 9 by 2 हो गए, ऑल सारे आ गए बेटा, तो कुछ न्यू नहीं है, बस आपका जो न्यू है वो है दिस साइन प्लस एंड नथिंग, रेस्ट सब कुछ फोकाई भी यही होती है प्लस माइनस यही, डायरेक्ट भी होती है एक्सल टू है भी, वर्टेक्स भी होता है दिस दिस, लेंथ भी होती है 2 है 2b सेंटर भी सेम ही होता है आपका, सेंटर 0.00 चलो अभी बिना इसको कॉपी करे एक मुझे क्वेश्चन करके बताओ कमांड फास्ट, everybody you have to do fast, x square upon 25 plus sorry minus come on guys आपका मोबाइल मत दो इसको, वो वापस टूट जाएगा, कोई और दो हाँ, वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मम्मा सेकंड फोन लेके आ रही है ना, वैसे हो जाएगा, फिनिश योर पोहा, फिनिश योर पोहा दैट चीज का, गुड बॉय हाँ वेरी गुड, आपका फोन कम से कम देना दे नहीं मत, आईपैड करो चार्ज करो आईपैड दे दो, कल जो फास्ट कैन साउंड डिक्रीज करो थोड़ा स्लो करो साउंड, पापा इज वर्किंग डन, वेरी गुड वेरी गुड, सबको करना डू फास्ट, ए इज इक्वल टू 5 b is equal to 4 e is equal to e is equal to root 41 upon 4 root 41 upon 5 okay plus minus a comma 0 directrix x equal to पापा इज वर्किंग, मम्मा मम्मा खिला देंगे आपको, पापा इज वर्किंग बेटा, पापा इज मम्मा, पापा इज मम्मा, डायरेक्ट सिक्स
सेंटर ओरिजिन वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस डी. यस गाइस मेजर एक्सेस हुए एंड माइनर एक्सेस टू बी और मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस हो गया. और क्या था बेटा लेटर सेक्टर प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए लेंथ हो गई टू बी स्क्वायर बाय ए लेंथ. Yes, guys. Anything left? Anything? Sab now you have to put the values. You get a plus minus root 41, comma 0. A matlab kitna hua? A matlab hua aapka 5. So 25 by root 41. Center 0, 0. Vertex plus minus 5 comma 0 and 0 comma plus minus 4. ये 10 करोगे तो 10, 10 करोगे तो 8. ये plus minus a a कितना होता 5 sorry root 41. No, wait. Sir minus plus नहीं होगा. एक ही बात है ना कुछ भी कर लो उसको. चारों आएंगे ना आगे पीछे लिखोगे तो वन ऑफ द सेम थी. हाँ सर समझ गया. प्लस माइनस बी स्क्वायर मींस व्हाट यू आर 16. यस गाइस कोई इशू इसके अंदर तो छोटा मोटा ही प्रॉब्लम. देखो इस बार सब लोग ध्यान से देख लो जस्ट सेम थिंग कर रहे हैं बस वो माइनस का प्लस हो गया इसेंट्रिसिटी चेंज हो गया नथिंग सब कुछ वैसा का वैसा ही है एवरीथिंग इज सेम. यस नो चलो वन मोर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए. Come on, x square 9 plus y square equal to 1. Bas yahan pe minus. Come on, fast. Change you karo. Come on, fast guys. Aapko karna hai. ए बी क्या सबसे पहले वो लिखो पानी बाबा बिल लिखो